अरे लड़कियों के वेकेशन मारे, अपनी होने वाली बीवी के साथ ही तो डांस कर रहे हो। तो कैसे रही तुम्हारी एक शाम दोस्ती के नाम? हाँ, सोनाक्षी और अभी भी तुम लोग के साथ चले थे ना? दक्ष तुम्हारे साथ आया नहीं? नहीं, वो सोनाक्षी के साथ ड्राइव पे गया। गुड नाइट। गुड नाइट। सच कहूं, तुमको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। क्या बात, कोई बात को लेकर तुम परेशान हो? मम्मा आप भी ना, बस थोड़ी सी थकान हो गई है और कुछ नहीं। आपने दक्ष और सोनाक्षी को देखा? दोनों कितने कितने अच्छे लग रहे थे ना सर। बहुत ही क्यूट कपल है ना मम्मा? नैना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी लेकर आती हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये अच्छा है, नॉक करके जगा कर पूछ रहे हो कि डिस्टर्ब तो नहीं किया। सो रही थी। ओ सॉरी। क्या सॉरी, मजाक भी नहीं समझते, मैं जगी भी थी। तो फिर चलो। कहाँ इतनी रात गए? अरे चलो तो सही। लेकिन हम इस तरह चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? धीरे बात करो, सब सो रहे। चलो। मेरे ख्याल से इतने छोटे से ड्रामे को तुमने सच तो नहीं मान लिया ना? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि नैना अपनी शादी में मेरी वजह से परेशान ना हो, समझे तुम? ठीक है, तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? अच्छे से याद है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमारी दोस्ती तो इस कॉफी से, पर ये कॉफी हम बिना आइस क्यूब बिना सोडा डायरेक्ट नीट ही पिए। हम मिले, झगड़ा हुआ, सॉरी बोला, फिर जान पहचान और फिर दोस्ती हुई, फिर बहुत अच्छी दोस्ती। एक कॉफी उस दोस्ती के नाम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे कहूंगी।